जब मित्र दुखी हो ना, तो अपने मित्र के दुख में शरीक हो। अपना दुख भूल करके मित्र के दुख को बड़ा समझे और उसके दुख को दूर करने का सच्चे मन से प्रयत्न करें। हमारे साथ क्या होता है, जब हम दुखी होते हैं ना, तो अपने मित्र से मदद मांगते हैं, और जैसे ही उसको आभास होता है कि कुछ मांगने वाले हैं, वैसे हाथ खड़ा कर देता है। तो ऐसा मित्र लेके क्या करेंगे, सबको हटा देना चाहिए, ऐसे लोगों को लिस्ट से डिलीट कर दो। ऐसा मित्र लो, ढूंढो, बनाओ, जो आपके सुख दुख में शरीक हो। झूठे लोगों को अपने जीवन से जोड़ के क्या फायदा। आजकल आप देखेंगे, लोग खुश करने के लिए एक दूसरे को इतनी झूठी तारीफ करते हैं, इतना अधिक तारीफ करते हैं कि गुब्बारा की तरह फूल जाता है। उसे पता होता है कि हम इतने तारीफ के काबिल नहीं है, लेकिन बेशर्मी से सुनता रहता है और दूसरा करता रहता है। ये भी गलत है। मित्र को आगे बढ़ाएं, मित्र की प्रशंसा करें, लेकिन जब वो कभी अकेले में हो तो उसको समझाएं कि देखो, तुम्हारी हम समाज में तो बड़ी बड़ाई करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तुम अपनी इस आदत को सुधार लो, नहीं तो इसके कारण तुम्हें दुख होगा। एक और मित्र होते हैं, अपने गड़बड़ करते हैं, दूसरे को भी गड़बड़ करते हैं। अच्छा, गुटखा खाना है तो खाएंगे फाड़ के, तुम भी खाओगे, लो तुम भी खा लो। इमित्र नहीं है, इमित्र के नाम पे कलंक है। कि आप किसी की आदत खराब कर रहे हो। देखो, मैं समझता हूं कि जिंदगी में एक मित्र तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका पिता हो, क्योंकि कोई या गुरु हो, कोई हो, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे मित्र कहते हैं, जो आपसे कुछ चाहता नहीं है, हमेशा आपके लिए चाहता है। अब वो किस रूप में आपको मिलेगा, वो आपके नसीब के ऊपर है, लेकिन चाहिए, क्योंकि जब वो होगा आपकी जिंदगी में ना, तो आपकी जिंदगी के तमाम दुख सिर्फ आप उससे बात कर लोगे तो समाप्त हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर एक गीत लिखा है, उनका नाम है अलबेला खत्री जी। हाँ, मित्र बनो तो यूं बनो जैसे शिव और राम, मित्र बनो तो यूं बनो जैसे शिव और राम, एक दूजे का रात दिन जपे निरंतर नाम। मेरी हर शुभ कामना फले तुझे यार, मेरी हर शुभ कामना फले तुझे यार, यशदन बल आरोग से दम के घर संसार। चाहे दुख का रुदन हो चाहे सुख के गीत, चाहे दुख के रुदन हो चाहे सुख के गीत, रहना मेरे साथ में हरदम मेरे मीत, सारे रिश्ते देह के मन का केवल यार, सारे रिश्ते देह के मन का केवल यार, यारी जब से हो गई जीवन है गुलजार, यारी जब से हो गई जीवन है गुलजार, यारी जब से हो गई जीवन है गुलजार। तो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए कि जो आपके लिए अपना प्राण भी दे, लेकिन समझदारी से, आपको बर्बाद ना करे ना समझी के साथ। तो सबके पास होते हैं, बचपन से लेके बड़े होने में कोई ना कोई तो रहता ही है जो उसके भाव को, उसके मन की बात को समझता है।